हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के कांगड़ी धार में लगभग 200 करोड़ रुपए से बन रहे शिवधाम के पहले चरण का कार्य अगले 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगस्त महीने के अंत तक काम पूरा कर इसके उद्घाटन के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को शिवधाम के निर्माण कार्य के निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी और निर्माण में लगी एजेंसी के पदाधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में पर्यटन विभाग गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इससे देश दुनिया में मंडी धार्मिक संस्कृति पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से उभरेगा और दुनिया भर में पर्यटकों को मंडी में पर्यटन गंतव्य का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। शिवधाम मंडी का हमारे लिए एक बहुत प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है और आज मैं उसके निरीक्षण के लिए गया था। साइट पर कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसके बावजूद हमारा लक्ष्य है कि हम अगस्त महीने के अंत तक इसका फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन करने की स्थिति में हो जाएं। इसलिए मैंने अधिकारियों को भी कहा है और उसके साथ साथ में मैंने जो यहाँ काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है कि थोड़ा तेज़ी ला जाए, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने के बाद फिर काम में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पूरा किया जा सके उसको पूरा करना चाहिए, एक तो ये है। और दूसरा, सेकंड फेज का जो हमारा शिवधाम का ADB के लिए उसकी DPR बन रही है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमको हिमाचल प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ADB के अंतर्गत 2100 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किया है, उसमें एक सेकंड फेज जो शिवधाम का जो आने वाला है वो उसके अंतर्गत आएगा और उसकी DPR जैसे बनती है तो जैसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसके बाद उसका टेंडर की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। और मंडी के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस और हमारे लिए बहुत पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक आस्था की दृष्टि से, क्योंकि शिवधाम मंडी में बनना अपने आप एक ऐतिहासिक एक घटना है ये, क्योंकि छोटी काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका महत्व उस दृष्टि से बहुत ज्यादा है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।